A very good morning, student. This is Srikant and our class 10th economics chapter 2nd, the sector of Indian economy continue. And student, previous classes we have discussed about how to protect unorganized sector workers. And today we will discuss about the sector in the terms of ownership. Students, first of all, the economic activities are also classified on the basis of ownership. Ownership, it's mean, and who owns of a particular company's industries, यानी कि उस company industries को own कौन करता है, उसका मालिक कौन है, उसका ownership किसके पास है. On the basis of ownership, the sector also classified in a public sector and the private sector. Keeping that all in mind, see, in the economics terms, the sectors are classified in public sector and the private sectors. Okay, and first we will discuss about the public sector. Okay, students, the public sector, owned by the governments. Okay, the government owns most of the assets and provide all the service, just like railway and the post office. Okay, the public sector company industries are owned by the government. Okay, just like railways and the post office. यानी कि ये जो railways है, post office है, और भी there are other health, education, defence and other things. And these facilities are provided by government. यानी कि इसमें सीधे जो जिसका जो ownership होता है वो किसका होता है, government का. Okay, और next video, what is the aim of पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रीज कंपनी. ओके, कंपनी है यहाँ पर, इंडस्ट्रीज. द मेन एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटो होता है, मेन एम होता है, द मेन एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज प्रोवाइड सर्विस एट अ वेरी चीप रेट, बहुत ही सस्ते दर पर. ओके, सो वी कैन से दैट एंड इट्स मेन एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर, यानी कि अब लोगों का कल्याण करना. ओके, जस्ट लाइक रेलवे, रेलवे से आप अगर ट्रेवल करते हो इंडियन रेलवे में, ओके, एंड यू पेड, मतलब अगर सेकंड क्लास स्लीपर में अगर आप जो बेटर ट्रेवल कर रहे हो, यू पेड ओनली द 500 रुपीज. इफ यू मतलब बेटा उसके अदर हैंड जो भी प्राइवेट जो ट्रेन अभी चलने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन का बेटा क्या इफेक्ट है. ओके, एंड सेम डिस्टेंस यू विल पेड अप्रॉक्स 2000 रुपीज. ओके, आप 2000 रुपये पेड करोगे प्राइवेट अगर बस ले रहे हो, प्राइवेट अगर जो है ट्रेन यूज कर रहे हो, तो आप उसको उसी सेम डिस्टेंस के 2000 पेड करनी होगी. तो यहाँ पर देखिए, द मेन एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज अ प्रोवाइड बेसिक सर्विस एट अ वेरी चीप रेट, इट्स मीन पब्लिक वेलफेयर, नॉट अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट. मतलब उसका जो मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लोगों का वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना होता है. आई ओके बेटा, दिस इज कीपिंग दैट ऑल इन माइंड. ओके, हाँ, एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडीज एंड द बीयर्स पार्ट्स ऑफ द कॉस्ट टू द सपोर्ट इंडस्ट्रीज, एंड समटाइम्स गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज एंड द बीयर्स पार्ट्स ऑफ द कॉस्ट एंड द सपोर्ट इंडस्ट्रीज. ओके, सब टाइम ये स्टूडेंट इन द पीडीएस सिस्टम एंड एवरी मंथ एंड यू परचेज वीट एंड राइस. ओके, एट अ वेरी चीप रेट, मतलब 2 रुपीज पर केजी जो है वीट लेते हो, राइस 3 रुपीज पर केजी. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उस इंडस्ट्रीज को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है. सब्सिडी उस जो है वीट और राइस पर ढेर सारी सब्सिडी देती है. मार्केट में आप जाइए, वही वीट, सेम वीट यू परचेस्ड 20 रुपीज पर केजी, और वही सेम जो है पीडीएस सिस्टम पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर आपको कितने मिल रहा है बेटा, 2 रुपीज पर केजी. एंड मतलब यानी कि पब्लिक वेलफेयर में बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज है, ऐसे जो वर्क है वेयर द गवर्नमेंट बियर्स सब्सिडीज. ओके बेटा, प्रोवाइड सब्सिडीज, यूरिया, जैसे फार्मर को यूरिया की नीड्स है तो वहां पर सब्सिडी है, फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी है. ओके, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो बेटा बिल है उसमें भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है किसान फार्मर्स को. ओके, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे उसके बारे में आइए देखते हैं. गवर्नमेंट आल्सो स्पेंड ऑन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज आल्सो. ओके स्टूडेंट्स, एंड द इन पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो भी
जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, एंड दे आल्सो स्पेंड प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, और एजुकेशन और हेल्थ पर भी ढेर सारे पैसे खर्च करती है। एंड आप यहाँ पर डिफरेंसिएट, यू कैन सी डिफरेंसिएट ओके बिटवीन द प्राइवेट स्कूल एंड द गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में बेटा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, और जो है प्राइवेट स्कूल में आप देख सकते हो, तो प्राइवेट और शायद हमको लग रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। एंड पीपल पीपल हैव अ जॉब सिक्योरिटी एंड लाइबिलिटी इन द पब्लिक सेक्टर। इफ यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओके इंडस्ट्रीज, देन देयर हैव अ जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी हो, आप बेटा 60 साल तक ओके एंड यू विल वर्क हियर द एज ऑफ 60 ईयर्स ओके। इन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी द टीचर्स वर्क एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, उसके पहले वो निकाल नहीं सकता, चाहे कितना भी आप जो है बेटा मतलब अनइलिजिबल हो जाए, लेकिन आपको वह निकालेगा नहीं ओके। एंड देयर इज सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड द लाइबिलिटी ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओके, अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर कंपनी ओन्ड बाई द इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये जो है ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल के द्वारा इसको बेटा चलाया जाता है। एंड द मीनिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, द मीनिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू अर्न मोर इन मोर प्रॉफिट, देयर इज नो एनी मीन्स फ्रॉम द पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका जो बेटा मेन एम है क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट को करना ओके। दे नॉट गिव एनी सब्सिडी टू द पीपल्स, यानी कि पीपल्स को भी कोई सब्सिडी नहीं देगी गवर्नमेंट बेटा। क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, ढेर सारी सब्सिडी दे रही है, ढेर सारी जो है बेटा सुरक्षा दे रही है, जॉब सिक्योरिटी है, लाइबिलिटी है, लेकिन प्राइवेट में ये सब सारी चीजें देखो कि जस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्ट अपोजिट अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर ओके। जस्ट एग्जाम्पल, यानी कि जो बेटा एक प्राइवेट सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट का नहीं होता, उसमें किसी इंडिविजुअल पर्सन का होता है। एंड जस्ट लाइक टाटा आयरन एंड स्टील, बिरला, विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो, एंड द रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी को आपने नाम सुना है, रतन टाटा को आपने सुना है ठीक है, ये सब सारे लोगों को, अडानी को सुना है, मतलब ये सब बेटा इनकी कैसी कंपनी है, एंड इट इज जस्ट लाइक प्राइवेट ओके बेटा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर। The private sector is guided by the motive to earn profit. The meaning of the private sector is earn more and more money. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा profit कमाना इनका बेटा meaning होता है. And to get such service, we have to pay money these individuals and companies. And to get such service, यानी कि हम लोग कोई service को पाने के लिए, and we have to pay money to these individual and the company. मतलब यानी कि service, इनका service लेने के लिए अब इनको पैसे पेड करने होते हैं ओके, मोर रेदर देन पब्लिक सेक्टर्स ओके। जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी बस में बेटा यात्रा करिए और जो है प्राइवेट बस में ट्रेवल करिए, आपको जो है डिफरेंशिएट समझ में आएगा, ज़्यादा पैसे कोई मतलब बिल्कुल जो है कोई जो है लाइबिलिटी नहीं है पे। एंड दियर पीपल बेसिस ऑफ प्रमोशन इज मेरिट, यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि बेटा जो है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एज ओके, मतलब एंड टाइम पीरियड ऑफ सर्विस ओके, यू कैन प्रमोट आप कर सकते हो, बट हियर नॉट, हियर इन प्राइवेट सेक्टर इज नॉट हियर, नॉट दैट्स ओके। दियर पीपल्स बेसिस ऑफ प्रमोशन इज मेरिट, मतलब अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप यहाँ पर प्रमोट करोगे, अदरवाइज इन प्राइवेट सेक्टर पीपल हैव अ लेस जॉब सिक्योरिटी एंड नो जॉब स्टेबिलिटी, यहाँ पर कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, कार्य अच्छे से कर रहे हो तो आप करते रहोगे, अदरवाइज कल आपसे कहेगा कल से मत आइएगा फैक्ट्री में ओके। एंड सो स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। एंड नाउ माई क्वेश्चन फ्रॉम माई ऑल डियर स्टूडेंट्स ओके, सभी लोगों से है, और आप बेटा एक लर्न कर लोगे तो दूसरा आसानी से कर लोगे। पब्लिक को आपने लर्न कर लिया तो प्राइवेट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक ओके बेटा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन बाय द गवर्नमेंट ओके, एंड मेन एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, रेलवे से पैसा कमाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो ओके।
टू सर्व द सिटीजंस ऑफ कंट्री, मतलब लोगों की सेवा करना है, पब्लिक सेक्टर का होता है, पैसे कमाना, पैसे लूटना नहीं होता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज, पीडीएस में आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी में देख रहे हो बेटा, और भी जो है वाटर में, बहुत सारे जगह जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर्स में। द गवर्नमेंट आल्सो स्पेंड ऑन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, और भी जो है उसे बेटा टैक्सेस लेकर के वो सब जो है एजुकेशन और हेल्थ में खर्च करती है। पीपुल हैव अ जॉब सिक्योरिटी एंड अ लाइबिलिटी हियर, बट लेकिन यहाँ पर जो है प्राइवेट में नहीं है। ओके सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द लेक्चर। ओके थैंक यू।